ए पार्ट एंड बी पार्ट इफ सम टर्म इज कैंसल्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड देन फॉर दैट एक्स ऑप्टेंड वाई शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, मतलब स्टेप फोर में क्या बताया उसने कि स्टेप फोर में क्या करोगे कि जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो, जो एक्स एक्स में जो क्वार्टिक लिखा गया था उसमें जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट उसको जीरो करके जो वाई का वैल्यू आया उसको और चेक करो। चेक करने का मतलब क्या है वो अभी बताएंगे। और दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि अगर मान लिया ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसे लिखा था समथिंग अपॉन समथिंग, और जो राइट हैंड साइड है उसमें अगर हमने कोई फैक्टर कैंसिल कर दिया, मान लिया ऊपर नीचे एक्स माइनस टू लिखा हुआ था, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो एक्स माइनस टू का फैक्टर कैंसिल कर दो। ठीक है, अब जो फैक्टर कैंसिल किया है वो एक्स बराबर टू कैंसिल, एक्स बराबर टू पे उसको दिक्कत हो जाएगी अगर जो कैंसिल किया है। तो क्या किया, अगर एक्स माइनस टू का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है, ठीक है देख लिया, जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, मान लिया ये लिखा होता। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको कैंसिल किया, ऐसे कैंसिल करने के बाद जो बच गया एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, इसको वाई के बराबर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड आगे सॉल्व कर लिया। अब हमने जो फैक्टर कैंसिल किया है एक्स माइनस वन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो ये था, उसमें एक्स बराबर वन के करस्पॉन्डिंग कैंसिल किया है, तो हमने क्या किया इसको सॉल्व करके जो आंसर आ गया उसको तो रखे रखा, उसके बाद हमने क्या किया एक्स बराबर वन इसमें रखा। ठीक है, जो वाई का वैल्यू आया उस वाई के वैल्यू को फिर चेक किया, जैसे ए पार्ट में जहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो हो रहा है अगर उसमें वाई का वैल्यू कोई आ रहा है तो उस वाई के वैल्यू को चेक किया, वैसे यहां पे चेक किया। इस एग्जांपल में तो जो हमने ये अभी सॉल्व करें करेंटली उसमें तो कोई कॉमन फैक्टर हमने कैंसिल वैंसिल नहीं किया है, तो इसको तो अभी रहने दिया, इसको तो रहने दिया, मतलब रहने दिया मतलब इसमें वो एप्लीकेबल ही नहीं है। बट जो ए पार्ट है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बींग जीरो वो वाला वेरीफाई करो, तो वो तो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो किया वेरीफाई, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज थ्री वाई माइनस वन था। ठीक है, अगर देखना है तो आई विल शो यू। ये थ्री वाई माइनस वन है एक्स स्क्वायर क्वेश्चन। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन एंड ट्वेंटी। ओके, थ्री वाई माइनस वन, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया वन बाई थ्री। इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था जो हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर, लेट मी सी क्वेश्चन था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन एन प्लस ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी, ये क्वेश्चन था। तो अब हमने इसमें क्या किया, ये वाई का वैल्यू वन बाई थ्री इसमें चेक किया, तो चेक करने का मतलब क्या कि हमने देखा कि ये वाला वाई किसी एक्स के लिए मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू, ये वाले थ्री को उधर ले जाओगे तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया ऐसे ही, तो आ गया ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस थ्री। इज इट ट्रू, ऐसा हो सकता है कि ट्वेंटी माइनस थ्री के बराबर हो जाए, नहीं हो सकता, उसका यहाँ से कोई एक्स का वैल्यू नहीं आया,
अगर यहाँ से कोई एक्स का वैल्यू नहीं आया तो उसका मतलब क्या है कि वाई का वैल्यू 1/3 नहीं आ सकता। अगर ये वाई का वैल्यू 1/3 नहीं आ सकता तो उसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर है ये इसमें से 1/3 ये निकालना पड़ेगा। तो निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे ओपन लगाना पड़ेगा। तो फाइनली रेंज क्या हो जाएगा, -3/8 से 1/3 ओपन। हेंस रेंज इज -3/8 से 1/3 ओपन, क्योंकि 20 -3 के बराबर नहीं हो सकता उसका। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/3 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ये ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर मान लें यहाँ पे 20 -3 आने की बजाय एक्स का कोई वैल्यू निकला था, मान लें यहाँ से कट पिट किया था x=4, तो एक्स का कोई वैल्यू आ गया, उसका मतलब क्या है x=4 को रखने पे वाई का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो भी ऊपर सॉल्व करके इनइक्वालिटी सॉल्व करके जो भी ये वाई का वैल्यू आया ना, ये वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू आया है वही आंसर हो जाता। बट इस वाले केस में तो एक्स का कोई वैल्यू आया नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ये तो एक चीज हो गया। दूसरा हमने कुछ ऐसे बोला था कि जो फैक्टर कैंसिल किया है उसको भी चेक करके देखा। तो एक एग्जांपल उससे रिलेटेड देख लेते हैं।